हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त सविता, एंड वेलकम बैक टू सविता का संसार। तो कुछ समय मेरे पहले मेरे वीडियो पे कमेंट आया था, जो मैंने एक यूनानी मेडिसिन का आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था कि हमें प्रॉपर लोकेशन बताइए। तो आज मैंने सोचा, मुझे दवाई भी लेनी थी, तो मैंने सोचा आपको एक बार फिर से प्रॉपर लोकेशन के साथ वीडियो शेयर किया जाए, ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। एंड किसी भी वीडियो को मैंने शेयर करने के लिए इतना फोर्स नहीं किया, बट हाँ, मैं इस वीडियो को ज़्यादा से आप लोग को शेयर करने की डिमांड ज़रूर करूँगी, बिकॉज बहुत लोगों को ज़रूरत होती है। एंड बहुत सारे लोग को जो दवाइयाँ एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर फ्री में आके दवाई ले सकते हैं एंड टोटली फ्री अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बस 20 रुपये का पर्चा बनता है, दवाएँ फ्री में मिल जाती हैं। और जो ओल्ड एज लोग हैं, 60+ लोग हैं, उनको तो टोटल फ्री में पर्चा भी बनता है, दवाई भी फ्री में मिलती हैं। तो बहुत अच्छा है, यूज़फुल है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड प्रॉपर लोकेशन के साथ आपको यहाँ पर दिखाते हैं। लखनऊ के टेढ़ी पुलिया चौराहे से जब आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, तो ये ओशियाना ग्रैंड ग्लास का बना हुआ होटल दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारी शादियाँ होती हैं। उसी के बगल में ही आएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स एंड बगल में गली गई है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पर भी यहाँ पर बहुत सारा टिम्बर का काम होता है, यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर आपको बाँस की सीढ़ियाँ हैं और इस तरह पार्टीशन करने वाला बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं रोड क्रॉस करती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। रोड क्रॉस करेंगे, ये एक बोर्ड आपको यूनानी मेडिसिन का मिल जाएगा। एंड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, दुकानें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड जैसे ही हम अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर दुकानें तो बनी हुई हैं, बट अभी क्योंकि ये एरिया जो है वो डेवलपिंग एरिया है, इसलिए जब आप अंदर जाएंगे तो बस शटर लगे हुए हैं दुकानों के, बाकी अंदर दुकानें अभी कुछ भी नहीं है। जो भी है वो बाहर कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से आपको खेत दिख जाएंगे, जो कि गाँव वाली फीलिंग देंगे आपको। सीजनल फसलें यहाँ पर लगी रहती हैं। काफ़ी सुनसान एरिया लगता है जब आप दोपहर के टाइम पर यहाँ पर जाते हैं। एंड दूसरा जो लैंडमार्क है वो है ये उर्मिला नर्सरी का, जो दूर से देखने में छोटी लग रही है, बट बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं अंदर जाकर। तो मैं अंदर भी जाकर अब देख चुकी हूँ एक बार। रोड ही कुछ इस तरह से बनी हुई है, बट गलीमत इतनी है कि जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी खैर नहीं भरता है, बट आगे जैसे आप जाएंगे ना, घनघोर जंगल आप देख सकते हैं। इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जंगल है, और जैसे जंगलों में आवाज़ें नहीं आती हैं, साए 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 सी आवाज़ें आती हैं, वैसे यहाँ पर भी आवाज़ें आती हैं, वो भी दिन में आती हैं। और आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती इस एरिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं हैं इस जगह के बारे में। और जो ये यूनानी मेडिसिन होता है, इसके बारे में लोग अवेयर नहीं है यहाँ पर, बिकॉज सबको ऐसा लगता है ना कि ये पता नहीं फ़ायदा करती है या नहीं करती। तो मैं अपना बता रही हूँ, पर्सनली मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है। और ये है, यहाँ पर दवा खाना मिल जाएगा आपको, जैसे कुछ डॉक्टर्स इन केस अगर आपको बाहर की दवा लिखते हैं तो। और ये है इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिंस का। देखिए, ऐसा होता है ना कि बहुत सारी दवाएं तो आपको अंदर मिल जाती है, लेकिन इन केस कुछ एकाध दवाएं जो हैं वो स्पेशल दवाएं होती हैं, वो आपको बाहर से लिख देते हैं। जो एफर्ट कर सकते हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ उसका सब्स्टिट्यूट आपको अंदर से ही मिल जाएगा। ये बाहर बड़ा सा बोर्ड यूनानी मेडिसिंस का लगा हुआ है, एंड जैसे ही अंदर करेंगे, एंड बहुत ही शांति भरा माहौल है। बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, एंड काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में, ओपीडी के बारे में। एंड टाइम टू टाइम यहाँ पर यूनानी मेडिसिंस की अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। राइट हैंड साइड पे पूरा वेटिंग एरिया है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर पर्चा बनता है। 20 रुपये का पर्चा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का पर्चा बनता है। एंड मैं भी पर्चा बनवा लेती हूँ अपना यहाँ पर। और कभी कभार तो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ पर पर्चा बनता है, प्रॉपर तरीके से एंट्री होती है, जो न्यू पर्चे होते हैं उनको कंप्यूटराइज चढ़ाया भी जाता है, एंड जो पुराने पर्चे होते हैं वो ऐसे ही अपना, मतलब उस पर एंट्री वगैरह करके वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। पर्चा तो मेरा यहाँ बन गया है, और बहुत ज़्यादा आज भीड़, आप देख सकते हैं वेटिंग एरिया में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।
तो भाई मैं भी यहाँ पर बैठ जाती हूँ। एंड ऊपर वाला फ्लोर भी बना हुआ, वहाँ पर लोग एडमिट होते हैं। मैं तो जब सुनी कि यहाँ यूनानी मेडिसिन में भी लोग एडमिट होते हैं, यस, जिनको गठिया वगैरह का रोग होता है उनको एडमिट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ पर खाना पीना रहने सब की सुविधा होती है। तो बस मैं भी यहाँ पर वेट करती हूँ। यूनानी मेडिसिन जो है वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है हीलिंग एंड हेल्थ मेंटेन का, जो कि साउथ अफ्रीका में ऑब्जर्व किया गया था। यहाँ पर हमारे डॉक्टर बैठे हुए जिन्हें मुझे दिखाना है, और 1976 में WHO ने इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया था एज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेडिसिन। और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंगेज हैं यूनानी टीचिंग में, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं एंड बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की जा रही है यूनानी मेडिसिन के लिए। यहाँ पर आपको पैथोलॉजी भी मिल जाएगी, जहाँ पर आपको कुछ टेस्ट वगैरह कराने के लिए अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो टेस्ट भी करा सकते हैं आप यहाँ पर। एंड जैसे ही यहाँ से OPD से आप बाहर निकलेंगे, ये बड़ा सा पीछे ग्राउंड बना हुआ है, बहुत सारे आपको यहाँ पर प्लांट्स मिलेंगे। और ये है डिस्पेंसरी जहाँ पर आपको फ्री में दवाएँ मिल जाएंगी। एंड मैं आपको बता दूं, आज के समय में इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन प्रैक्टिस ऑफ यूनानी मेडिसिंस। बहुत सारे आपको यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में मिल जाएंगे जो कि यूनानी प्रैक्टिस करते हैं, कराते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एक्चुअली ये भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है जहाँ पर आपको OPD भी चलती है, एडमिट भी लोग होते हैं एंड मेडिसिन भी आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पर रखी हुई हैं, ये सभी मेडिसिन आपको फ्री में मिल जाएंगी। हर तरह की दवाएँ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं एंड बस यहाँ से दवाई लेकर हम भी निकलते हैं, इन्हीं रास्तों से वापस होकर जाना है। और बेशक ये डेवलपिंग एरिया है एंड कुछ सालों में ये पूरा तरह से डेवलप हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस बार मैंने आपको प्रॉपर एड्रेस के साथ यहाँ पर लोकेशन आपको बता दी है। मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए ज़रूरी होगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार और आपको दिखा दिया जाए प्रॉपर लोकेशन के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग को एलोपैथी जो मेडिसिन होती है वो सूट नहीं करती, और होम्योपैथी हो या यूनानी हो, सबका ये एक माइंडसेट होता है कि फ़ायदा नहीं करती हैं दवाएँ। बट हाँ, मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो एक और वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आई होप आपको पसंद आया हो। एंड पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप जितना ज़्यादा शेयर करें उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।